लॉगिन कर लिया है मैंने अपना जियो पोज प्लस। तो दोस्तों आज कूडो मैं आपको दिखाऊंगा कि जियो पोज प्लस से किसी भी रॉन्ग रिचार्ज को रिवर्सल कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हमको जरूरत पड़ने वाली है वो मोबाइल नंबर जिसपे रॉन्ग रिचार्ज हुआ है और ORN नंबर। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मोबाइल नंबर और ORN नंबर निकाल लेते हैं। मोबाइल नंबर और ORN नंबर निकालने के लिए यहाँ पर आपको थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको MIS एंड रिपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहां पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको क्लिक करना है और यहां पर सेकंड ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको डेट भरनी होगी। जैसे आज की डेट में मैंने रिचार्ज किया है तो आज की डेट सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर 26 तारीख को मैंने रिचार्ज किया था तो कस्टमर के गलत नंबर बताने के कारण दूसरे नंबर पर रिचार्ज हो गया। तो फिर इस वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो अभी फिलहाल में क्लिक लेफ्ट साइड में, अब हमको क्लिक जो है राइट साइड में करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ORN नंबर दिख जाएगा, बीच में आपको मोबाइल नंबर दिख जाएगा और जहाँ पर सबसे लास्ट में तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको रिचार्ज दिख जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ORN नंबर और मोबाइल नंबर लिख लेना है। तो चलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर और ORN नंबर सही तरीके से लिख लिया है। इतना करने के बाद दोस्तों अब हमको यहाँ से सीधा बैक हो जाना है। तो दोस्तों फिर से हमको इन थ्री डॉट पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ ऑप्शन दिख जाता है जियो सेल्स का। तो सिंपली आपको यहाँ पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा रिचार्ज रिवर्सल। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर एक बार क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने जो है ये ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले खाने में हमको वो मोबाइल नंबर लिखना है जिसपे हमारा रॉन्ग रिचार्ज हुआ है और यहाँ पर पहले यहाँ पर आपको ORN नंबर लिखना है और नीचे यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर लिखना है। तो चलिए दोस्तों मैं ORN नंबर लिख देता हूँ पहले, फिर मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सही तरीके से यहाँ पर ORN नंबर लिख लिया है और यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख दिया। इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर हमको इसको एक बार क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों मैं इसको सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर प्रोसेस चल चुका है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ORN नंबर, ऑर्डर नंबर आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, अमाउंट आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है रीज़न कि जो आपने रिचार्ज किया है उसमें क्या दिक्कत हुई है, नंबर गलत हुआ है या अमाउंट गलत हुआ है। तो यहाँ पर हमको क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, इनकरेक्ट मोबाइल नंबर कि हमारा जो नंबर था वो इनकरेक्ट यानी गलत नंबर भर गया है, और दूसरा ऑप्शन है इनकरेक्ट अमाउंट। दोस्तों यहाँ पर हमारा सभी का जो है नंबर गलत होता है तो पहला वाला चुने, यदि अमाउंट गलत हो गया है तो नीचे वाला चुने। तो यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर इनकरेक्ट हो गया है। तो दोस्तों अब यहाँ पर सबसे बड़ा खेल आता है सेंड OTP। जिस नंबर पर रिचार्ज हुआ है उस नंबर पे एक OTP जाएगा। तो यहाँ पर हम सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको करना क्या है कि उस बंदे से पहले बात कर लेनी है कि भाई तुम्हारे नंबर पे गलती से रिचार्ज हो गया। ये ऐसे बोल देना कि कोई बुजुर्ग आए रिचार्ज कराने के लिए, उनके नंबर पे रिचार्ज करना था, गलती से उन्होंने नंबर गलत दे दिया, आपके नंबर पे हो गया। यदि आप इस तरीके से बताएंगे तो वो आपको OTP दे सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, मेरे उनसे बात कर ली थी, वो मेरे थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा दूर ही थे मेरे यहाँ से जिनके नंबर पर रिचार्ज किया था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपको OTP दे देंगे जब आप रिचार्ज रिवर्सल करो। तो चलिए दोस्तों हम सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करके OTP सेंड करते हैं। तो वहां से OTP मिलने के बाद दोस्तों यहां पर हमने OTP फिल कर दिया है और मैं आपको दिखाना चाहता हूं स्क्रीनशॉट के माध्यम से कि उनके पास किस तरीके का मैसेज आया होगा रिचार्ज रिवर्सल का, और रिक्वेस्ट गई होगी, मैसेज मैं आपको दिखा दूंगा। इसके बाद यहां पर मुझे कंफर्म वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं OTP सक्सेसफुल। तो यहां पर इस प्रकार से यहाँ पर जो देख सकते ऑर्डर नंबर ये है रिवर्सल ट्रांजैक्शन आईडी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सफलतापूर्वक जियो के गलत नंबर पे गए हुए रिचार्ज को सफलतापूर्वक रिवर्सल कर लिया है। इसकी भी आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद यहाँ पर आपको कट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो अब यहाँ पर हमको बैक हो जाना है एक बार। तो दोस्तों हमको फिर से थ्री डॉट पे क्लिक करना है और फिर से हमको यहाँ पर हमको जियो सेल वाले ऑप्शन पर फिर से एक बार क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ पर व्यू रिवर्सल वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रिचार्ज हमारा जो है नीचे की तरफ देखेंगे स्टेटस सक्सेसफुल हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर आप इस प्रकार से किसी भी जियो के गलत नंबर पर यदि रिचार्ज हो जाए तो उसे सफलतापूर्वक रिवर्सल कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको जिस बंदे के नंबर पर रिचार्ज हुआ है उसे बस एक बार बोलना है कि ये बुज़ुर्ग औरत हैं या बुज़ुर्ग कोई इंसान है कि इन्होंने गलत नंबर दे दिया। इस वजह यदि आप बोलोगे कि आप नंबर बता दो तो इस प्रकार से कोई भी अपने नंबर पर OTP नहीं देता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं लेता हूँ इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक